Dear students of class 8, Alaikum awdav. Today I am going to teach you a poem, The Bengal Celebrities, written by Siraj Nairu. In the poem, the poet is described as the Bengal Celebrities and the Bengals, and also different stages of an Indian woman. Let us start the poem. Bengal sellers are we who bear our shining loads to the temple fair, who will buy these delicate bright rainbow-tinted circles of light, lustrous tokens of radiant lives for hippie daughters and hippie wives. In the first stanza, the speaker's the bengal sellers introduce themselves as bengal sellers who sell their bangles at the temple fair. The speaker say that they are bengal sellers and are carrying shining loads of bangles to the temple fair. The sepulchre Advertised the question, by questioning who will buy these bangles for their happy daughters and happy lives, the bangle sellers describe their bangles as delicate, bright, and rainbow-colored circles of light. बैंगल हम कहते हैं चूड़िया बेचने वालों को तो इस नज़र में चूड़िया बेचने वाले कहते हैं कि वी आर द बैंगल सेलरस हु बियर आवर शाइनिंग लोडस टू तो द टेंपल फेयर वो कहते हैं कि हम शाइनिंग लोडस शाइनिंग कहते हैं चमकने वाले यहाँ लोडो से मुराद है कि बैंगलस वो कहते हैं कि हम ये चूड़ियाँ उठा रहे हैं टू तो द टेंपल फेयर हम टेंपल में जो मेला चल रहा है हम वहाँ ये ले जा रहे हैं हु बाई दीज डिलीकेट ब्राइट रेन वो टेंटेड सर्कल ऑफ लाइट बैंगल सर्क... बैंगल सर्वर्स कहते हैं चूड़ियाँ बेचने वाले कहते हैं कि कोई है जो इन चूड़ियों को अपने बेटियों के लिए और अपनी बीवी के लिए खरीदे वो कहते हैं कि उनकी जो चूड़ियाँ हैं ये मलायम हैं चमकीले हैं और ये दनक कलर के हैं रेनबो टिंटेड रेनबो कलर सर्कल ऑफ लाइट कहते हैं ये दनक के रंग के सर्कल्स हैं रोशन सर्कल्स हैं हैंस्ट टोकन ऑफ रेडेंट लाइव फार हीपी डाटर्स एंड हैप्पी वाइफ लस्ट्स कहते हैं हम शाइनिंग टोकन कहते हैं सिंपल तो कहते हैं कि ये जो चूड़ियाँ हैं, ये चमकीले टोकन है रेडेंट लाइज रेडेंट कहते हैं ब्राइट को शाइनिंग चमकीले for happy daughters and happy wives these bangles are for happy daughters and happy wives some are made for a maiden's wrist silver and blue as the mountain mist some are flashed like the birds that dream on the tranquil brow of a woodland stream, some are equal with the bloom that cleaves to the limpid glory of new-born leaves. In this second sentence, the Bengal sellers say that some Bengals are suitable for a maiden's wrist. These Bengals are silver and blue in color, like the mountain mist. The sepulcher Campier, the cypresses compare silver and blue colored bangles with the moody and mist some of them are fleshed that is pink and a light red in color like buds growing on the bank of a woodland stream some of the bangles are shining as the new baron leaves. The poet compares the shining green bangles to the light green new Baron leaves. The new Baron leaves shine with the bloom that flavors to these leaves. Those who citizens of man. कि उन्हें कुछ ऐसी चूड़ियाँ हैं जो कुंवारी लड़की की कलाई के लिए सुटेबल है मौजू हैं वो कहते हैं कि जो ये चूड़ियाँ हैं ये सिल्वर और ब्लू कलर के हैं और ये ऐसे चमकीले हैं जैसे मोटियन मिस्ट तो यहाँ पॉइंट बेंगल उसको तस्वीर देते हैं मोटेन मिस्ट के साथ मिस्ट कहते हैं हम धुन को जब पहाड़ों पे धुन होती है तो वो खूबसूरत दिख रहे हैं जैसे कि इस तस्वीर में है तो शायर शायरा कहती है कि जो चूड़ियाँ जो है ये ऐसे चमकीले हैं ऐसे ब्राइट हैं जैसे मोटियन मिस्ट है जैसे पहाड़ों पर धुन होती है तो बेंगल सर कहते हैं कि उनके पास पिंक और लाइट रेड कलर की चूड़ियाँ हैं तो वो इन चूड़ियों को ऐसे कलियों के साथ भी देते हैं जो न्यू बार होते हैं जो वुडलैंड स्ट्रीम कहते हैं हम कि जंगल में से जो नदी बह रही हो तो बैंग सर्विस कहते हैं कि उनकी चूड़ियाँ ऐसी चमकती हैं जैसे कि जंगल से गुज़रती हुई नदी के किनारे कलियाँ खिल रही हो वो कहते हैं कि उनके पास और भी चूड़ियाँ हैं जो पत्तों की तरह चमकते हैं न्यू बारन लीव्स की तरह चमकते हैं वो वो कहते हैं कि वो चूड़ियाँ जो है वो लाइट ग्रीन कलर के हैं जिस तरह नए पत्ते जो पौधों से निकलते हैं चमकते हैं इसी तरह वो चूड़ियाँ भी चमकती हैं सम आर मीड फॉर ए मेडन रिस्ट मेडन कहते हैं हम अनमैरिड लड़की को कमारी लड़की को तो रिस्ट कहते हैं हम कलाई को यहाँ वो आया फ्लश फ्लश कहते हैं हम शाइनिंग तो बर्ड्स कहते, कहते हैं हम कली को ट्रैंक्यूल कहते हैं हम क्लियर ब्राउ कहते हैं ब्राउ ऑफ ए वुड लैंड ब्राउ कहते हैं हम किनारे को नदी के किनारे को सम आर लाइक फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न Meet for a bride on her bridal morn, some like the flame of her marriage fire, orange with the hue of her heart's desire, tinkling, luminous, tender, and clear like her bridal laughter and bridal tear. In the third sentence, the Sibyakar say that some of the Banglades are. As bright as fields of sunlit corn. They are fit for a bride on her bridal morn. Some of the bangles are bright red, just like the flame of the marriage fire. Red bangles stand for heart's desire. दीज bangles आर थिंकिंग luminous स्टैंड एंड clear लाइक like ब्राइडल laughter एंड ब्राइडल tear चूड़ियां बेचने वाले कहते हैं कि उनके पास कुछ ऐसी चूड़ियां हैं जो सनलिट कॉर्न कॉर्न कहते हैं हम मकी को तो सनलिट कहते हैं हम सूरज की रोशनी कहते हैं कि उनके पास कुछ ऐसी चूड़ियाँ हैं जो इस तरह चमकती हैं जिस तरह मक्की के खेत पे जब सूर्य की किरणें पड़ती हो, हो वो कहते हैं कि जो जो चूड़ियाँ हैं ये दूल्हा के लिए मौजू है ऑन हर ब्राइडल मॉर्न तो ब्राइडल मॉर्न कहते हैं क्राइंग ऑफ द ब्राइड ऑन द ऑफ हर वेडिंग फॉर लीविंग हर फैमिली सम लाइक द फ्लेम ऑफ हर मैरेज फायर तो हिंदू लोग जब शादी करते हैं वो आग जलाते हैं वो दुला और दु, वो दुल्हन उस आग के इर्द गिर्द घूमते हैं चक्कर लगाते हैं तो चूड़ियाँ वाले कहते हैं कि उनके पास ऐसे भी कुछ चूड़िया है रेड कलर चूड़िया है वो ऐसी चमकते हैं जैसे कि आग चमकती है और विद ह्यू ऑफ हर हार्ट डिज़ायर तो ह्यू कहते हैं हम कलर को और वो कहते हैं कि उनके पास ऐसी चूड़ियाँ हैं उनका रंग उनके दिल के ख़्वाहिश के मुताबिक है टिकलिंग एल्यूमिना स्टैंडर एंड क्लियर लाइक हर ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल ट्र कहते हैं टिकलिंग वानी वो, वो आवाज़ दे रहे हैं वो खन खनाती है चूड़ियाँ हैं वो ल्यूमस है वो शाइनिंग है टेंडर है वो मलायम है एंड क्लियर लाइक हर ब्राइडल लाफ्टर तो यहाँ ब्राइडल ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर जो है ये एज सिमिलर इस्तेमाल हुए हैं सिमिली कहते हैं हम कि दो ऐसे चीज़ों के दरमियान कम्पेरिजन किया जाए जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो लेकिन इनके दरमयान कुछ मिलता जुलता हो तो कहते हैं कि बैल लॉफ्टर कहते हैं कि दुल्हा ख़ुश होती है कि शादी के बाद वो एक ख़ुश ख़ुशी वाली ज़िंदगी गुजारेगी एंड ब्राइडल टीयर तो ब्राइडल टीयर कहते हैं कि दुल्हा जब रखसत होती है तो इसके आंखों से आंसू बहते हैं तो यहाँ शायर अपनी उन चूड़ियों की तस्बी दुल्हा की हंसी और दुल्हा की आंसू से देता है Some are purple and gold, flickered gray, for she who has journeyed, journeyed through life midway, whose hands have cherished, whose love has blessed, and cradled fair sons on her faithful breast, and serves her household in fruitful pride, and worships the gods at her husband's side. in the last seasons the speakers continues to advertise their bangles they say that some of their bangles are purple and gold flickered grey these are suitable for a middle aged woman who has journeyed through life these bangles are for her who has brought up her children well and रेमैंड एंड फेदफुल टू हर हजबैंड एंड फैमिली हुज मैं हर हाउस होल्ड विद प्राइड एंडशब द गॉड एट हर हजबैंड तो नजम के आखिरी बंद में चूं वाली कहते हैं कि उनके पास पर्पल और गोल्ड फ्लेक्ड ग्रे यानी ग्रे कलर की चूड़ियाँ हैं जिन पे गोल्ड कलर के दबे हैं कहते हैं दीज आर सूट फॉर ए मिडल एज वन वो कहते हैं कि जो ये चूड़ियाँ हैं ये मिडल एज आरोपों के लिए मौजू है हुनीट थ्रू लाइफ जिन्होंने जिंदगी का सफ़र तय किया हो दीज बैंगल आर फॉर हर हैज़ ब्राट अप हर चिल्ड्रन वेल तो ये चूड़ियाँ उस औरत के लिए है जिसने अपने बच्चों की परवरिश सही तरीक़े से की हो एंड रिमैन फेथफुल टू हर हजबैंड एंड फैमिली जो अपने शौहर और अपनी फैमिली के साथ वफादार रही हो हैज मैंटेड हर हाउस होल्ड विथ प्रायर जिसने अपना घर फखर के साथ संभाला और अपने खाऊंद के साथ साथ अपने मजहबी रवायत को भी अंजाम दिया तो इस तरह शायरा इस वायु में औरत के मुख्तफ़ स्टेजों का ज़िक्र करते हैं कि पहले वो कंवारी होती है फिर उसकी शादी होती है और फिर उसके बच्चे पैदा होते हैं तो वो इनकी परवरिश करते हैं तो इस तरह ये यह जो है अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देती है उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा शुक्रिया